إلهي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाहिद बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज्जम है जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से तीन तीन बार दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह तआला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जामिउल कुरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार एक मकाम पर पहुंचकर पानी मंगवाया और वुजू फरमाया, फिर यकायक मुस्कुराए और रफका से फरमाया, जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? फिर इस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए फरमाने लगे, एक बार सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर वुजू फरमाया था और बादे फराग मुस्कुराए थे और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से फरमाया था, जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, वल्लाहु व रसूलुहु अअलम, यानी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी वुजू करता है तो हाथ धोने से हाथों के और चेहरा धोने से चेहरे के और सर का मसह करने से सर के और पांव धोने से पांव के गुनाह झड़ जाते हैं। इस हदीस पाक को नज्म करते हुए किसी शायर ने बड़ा प्यारा अंदाज इख्तियार किया। शायर कहता है, वुजू करके खंदा हुए शाहे उस्मान, कहा क्यों तबस्सुम भला कर रहा हूं, जवाब सवाल मुखालिफ दिया, फिर जवाब सवाल मुखालिफ दिया, फिर किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान शहंशाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर हर अदा और हर हर सुन्नत को दीवाना वार अपनाते थे। नीज इस रिवायत से गुनाह धोने का नुस्खा भी मालूम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वुजू में कुल्ली करने से मुंह के, नाक में पानी डालकर साफ करने से नाक के, चेहरा धोने से पलकों समेत सारे चेहरे के, हाथ धोने से
हाथ के साथ साथ नाखूनों के नीचे के सर और कानों का मसाज करने से सर के साथ साथ कानों के और पांव धोने से पांव के साथ साथ पांव के नाखूनों के नीचे के गुना भी झड़ जाते हैं। और अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे गुना झड़ते दिखा भी देता है, जैसा कि हजरत सैयदना अल्लामा अब्दुल वहाब शायरानी कुद्दुस सिर्रहुन नूरानी फरमाते हैं, एक बार सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जामे मस्जिद कूफा के वजू खाने पर तशरीफ ले गए तो एक नौजवान को वजू बनाते हुए देखा। इससे वजू में इस्तेमाल शुदा पानी के कतरे टपक रहे थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अरे बेटे माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले। उसने फौरन अर्ज की, मैंने तौबा की। एक और शख्स के वजू के कतरे टपकते देखे, आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस शख्स से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे भाई तू जिना से तौबा कर ले। उसने अर्ज की, मैंने तौबा की। एक और शख्स के वजू के कतरात टपकते देखे तो उसे फरमाया, शराब नोशी और गाने बाजे सुनने से तौबा कर ले। उसने अर्ज की, मैंने तौबा की। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कश्फ के बाइस क्योंकि लोगों के उयूब जाहिर हो जाते थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह खुदावंदी अज़्ज़ा वजल में इस कश्फ के खत्म हो जाने की दुआ मांगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुआ कबूल फरमा ली, जिससे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वुज़ू करने वालों के गुनाह झड़ते नजर आना बंद हो गए। सल्लु अलल हबीब। ये हिकायत जो मैंने बयान की ये फतावा रज़विया शरीफ में सरकार आला हजरत ने अल मीज़ानुल कुबरा के हवाले से नकल की है। अल मीज़ानुल कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा 130 दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत। इस हिकायत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो गैब का इल्म अता फरमाता है। ये गैब का ही तो इल्म है कि गुनाह झड़ते नजर आ गए, मतलब गुनाह झड़ने नजर आना तो डायरेक्ट मुमकिन ही नहीं है, ये मुहाले आदी चीज है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे दिखा दे। तो इमाम आजम को ये नजर आने लगे और आप उनको बता देते कि तुमने ये गुनाह किया, ऐसे तौबा कर लो, वो तौबा भी कर लेते। लेकिन इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तक्वा